वरो बेटे अच्छा तीन अलग लगाएंगे तीनों को और तीनों को वो दे दे बस। तो जय हिंद साथियों भाई, सभी को राम राम। जैसे कि आपको पता है कि 29 तारीख को हम मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम खेल दिवस मनाते हैं, तो उसी के उपलक्ष में यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है रनिंग का, लॉन्ग जंप और हाई जंप का, कुला ग्राउंड के अंदर। तो आज देखते हैं, कराते हैं ये छोटा सा प्रोग्राम। तो जुड़े रहना भाई सभी मेरे ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये नेहरू युवा केंद्र फतेहाबाद, आपने नाम सुना होगा पहले, ना सुना तो थोड़ा बता देता हूँ नेहरू युवा केंद्र के बारे में। नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है ये समय समय पर ऐसी गतिविधियाँ करवाता है जिससे युवाओं का विकास हो, 18 से लेकर के 35 साल तक के जितने भी यूथ हैं उनके विकास के लिए, विकास कोई भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड या गेम से रिलेटेड इस प्रकार का। तो ये अपने अंडर में लेकर के जो युवा संगठन होते हैं, युवा संगठन का नाम सुना होगा आपके गाँव में भी होगा या पहले लगा हुआ था, ठीक है, जो सामाजिक सोशल वर्क के जो जितने भी कार्य होते हैं वो कार्य करते हैं। तो अभी जैसे कल है राष्ट्रीय खेल दिवस, जो मेजर ध्यानचंद जी है उनका जो जन्म दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो कल का थोड़ा टाइम तो ऐसे ही रहता है, शाम को ही हो पाता, अभी मैंने सोचा कि आज आप पहले दिन ही करते, इसलिए पहले दिन करें, वैसे खेल दिवस है कल, ठीक है। तो अभी आपने तीन इवेंट करवाने हैं, वो कोच साहब आपको बता देंगे किस हिसाब से करवाना, आप अपने हिसाब से बता दो। एक तो आप रेस करेंगे उसमें, और ऊंची कूद और लंबी कूद, जो आपको सही लगे वो चीज़ बता दो, आप उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। उसमें आपके फर्स्ट और सेकेंड दो प्राइज़ रहेंगे, थर्ड का कोई प्राइज़ है नहीं, आप उसका मान सम्मान कैसे करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है, अभी। तो जो साथी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने, सबसे पहले क्या करवाएंगे, रेस कितने मीटर की, पहले तो हाँ सबसे पहले रेस, हाँ रेस 1600 वाले हो गया, तो इस टाइम 1600 नहीं हो पाएगी सर, 800 इस टाइम, या तो 800 या 400 होगी, 800 ठीक है, लॉन्ग जंप के लिए तैयार हैं ये सभी जवान, और राउंड तैयार कर दिया गया लॉन्ग जंप के लिए। अब देखते हैं भाई कौन सा फर्स्ट सेकंड आएगा। कर लो इन्हें सीधा, सागर
नहीं पीछे वाला, पीछे वाला काउंट होगा, पीछे पीछे काउंट होगा। इतने आए तुम दोनों, दोनों इतने आओ, इधर आए, इधर आए दोनों। अरे उठना आजा, उठना आजा दोनों। वेल ट्राई ब्रदर। बहुत बढ़िया भाई। ये लॉन्ग जंप का सेकंड राउंड भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सही है। ये भाई ट्रिपल जंप के लिए सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं, और ये ट्रिपल जंप के लिए ग्राउंड तैयार हो चुका है। अब ट्रिपल जंप में देखते हैं कौन फर्स्ट सेकंड आता है भाई। अरे करता शुरू करे लाइव ट्रिपल जंप के लिए आते हुए। सही है सही है सही है सही है। दोबारा कर ले ट्राई करने आ तो। वाह भाई वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे पास सुन, तीन ही है ना, तीन ही है टोटल, तीनों को एक, तीनों को दे दे, तीनों हाथ ला लो जी। अच्छा तीन अलग अलग है, तीनों को, और तीनों को वो दे दे बस।
तो ये लो भाई, ये है अपने विजेता, ये नीली जस जर्सी में है भाई फर्स्ट पोजीशन, ये दोनों सेकंड पोजीशन भाई, और ये सभी को मेडल दे दिए गए हैं। और ये भाई अपने खेल क्लब कुला के अंदर ये इवेंट होता हुआ, ये दो अपने कुला के लड़के हैं और एक ये टिब्बी साइड से, ये अपने कोच साहब हैं ये, और ये अपने टीम क्लब कुला के मेंबर सभी। तो भाई ऐसे ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे, तो भाई जुड़े रहना ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।